मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी अपडेट्स पर। शुरुआत करते हैं बड़ी अपडेट के साथ। कोरोना संक्रमण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में डेल्टा प्लस का पहला केस सामने आ गया है। चिकित्सा विभाग ने नए वेरिएंट की पुष्टि भी की है। बीकानेर निवासी 65 वर्षीय महिला मरीज बताई जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर काफी हद तक थम चुकी है, लेकिन एक बार फिर चिंताएं बढ़ चुकी है क्योंकि अब कोरोना का डेल्टा प्लस सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद संक्रामक डेल्टा वेरिएंट का ही बदला हुआ रूप है। आपको बता दें, भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा ही जिम्मेदार माना जाता है। बड़ी खबर राजस्थान के लिए एक बार फिर चिंता का विषय जरूर है क्योंकि प्रदेश में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस सामने आ चुका है। प्रदेश की दूसरी बड़ी अपडेट, गहलोत मंत्री परिषद की बैठक पिछले 3 से 4 घंटों से अभी भी जारी है। बैठक में अनलॉक 3 और वैक्सीनेशन अभियान, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट प्लस के खतरे पर मंथन चल रहा है। इस बैठक में सीएम गहलोत मंत्रियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुझाव ले रहे हैं। आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में गृह विभाग की अनलॉक 3 के ड्राफ्ट गाइडलाइन को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही में 30 जून को केंद्र की गाइडलाइन की अवधि भी हो रही है। ऐसे में राज्य के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार करके सीएम गहलोत के पास भेजी है। नई गाइडलाइन को कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंगलवार को कभी भी जारी किया जा सकता है। नई गाइडलाइन में धार्मिक केंद्रों और सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स खोलने तथा बाजारों का समय बढ़ाने और सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय में बुलाने का फैसला तय माना जा रहा है। वहीं बाजारों का समय बढ़ाने के साथ ही कर्फ्यू का समय भी कम होना तय माना जा रहा है। अब केवल नाइट कर्फ्यू का मॉडल अपनाया जा सकता है। चलिए अब आज की कोविड अपडेट भी सुन लीजिए। प्रदेश में आज 131 कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। और सबसे अच्छी खबर यह है कि प्रदेश में कोरोना से आज भी एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। फिर भी सावधानी रखनी जरूरी है क्योंकि कोरोना के सबसे खतरनाक स्ट्रेन डेल्टा प्लस की एंट्री अब राजस्थान में हो चुकी है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट्स। मिलते हैं कल सुबह वाले वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए ख्याल जरूर रखिएगा अपना, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।